हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास फोर का न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर फाइव का है, जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ, यानी कि भोजन एवं स्वास्थ्य। इसका कुछ हमने इम्पोर्टेंट वर्डिंग नोट किए हैं, आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लें, एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। तो आप लोग का फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स इन फूड, यानी कि भोजन में पोषक तत्व। इसमें दिया हुआ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड That gives us energy, help in the growth of our body and protect us from diseases are called nutrients. यानी कि nutrients एक ऐसा तत्व है जिसे हम लोग अपना body और अपना शरीर को ग्रोथ करने के लिए करते हैं, और हम लोग को food खाने से क्या होता है, हम लोग को ग्रोथ होगा और बहुत ज्यादा ही मात्रा में एनर्जी मिलता है। और अगर हम लोग फूड ज्यादा खाएंगे तो हम लोग के पास एनर्जी ज्यादा होगा और हम लोग बीमारियों सबसे लड़कर उसे जल्दी दूर भगाएंगे। फिर आप लोग का है न्यूट्रिएंट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू फाइव मेन ग्रुप्स। जो न्यूट्रिएंट्स होता है यानी कि जो पोषक तत्व होता है, ये पांच भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी है जो कि खाना में होता है, भोजन इस सब में होता है। दे रिलीज एनर्जी वेरी क्विकली इन आवर बॉडी, यानी कि वो हमारे शरीर में क्विकली यानी कि तुरंत से एनर्जी रिलीज करता है। जैसा कि सुगर एंड स्टार्च आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो सुगर और स्टार्च होता है, ये दो प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट का। और सबसे पहले बात कार्बोहाइड्रेट कौन कौन सा फूड में पाया जाता है, तो वो राइस हो गया, व्हीट हो गया, पल्स हो गया, इटीसी। ठीक, अब है सेकंड में प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि जो प्रोटीन्स होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, यानी कि हम लोग का शरीर को बनाने में मदद करता है प्रोटीन। दे हेल्प इन बिल्डिंग मसल्स एज वेल एज इन रिपेयरिंग बोन, यानी कि वो हम लोग का मसल को बढ़ाने में और बड़ा करने में मदद करता है, और हम लोग का टिश्यू जो होता है शरीर में उसको भी बढ़ाने का काम करता है। सबसे पहले बात प्रोटीन्स क्या क्या चीज में पाया जाता है, मीट हो गया, फिश हो गया, पीस यानी कि मटर हो गया इत्यादि। उसके बाद है आप लोग का थर्ड में फैट्स, यानी कि मोटापे। लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड इन फैक्ट, यानी कि जो एक कार्बोहाइड्रेट जिस तरह से एक न्यूट्रिएंट्स है, ठीक उसी तरह से एक फैट्स भी है जो हम लोग को एनर्जी गेन करता है। उसके बाद बोला फैट्स गिव्स अस मोर एनर्जी एंड वार्मथ देन कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हम लोग एनर्जी फैट्स देता है। फैट्स किसमें किसमें पाया जाता है, तो बटर हो गया, नट्स हो गया, घी हो गया यानी कि मक्खन हो गया, बादाम ये सब हो गया, उसके बाद घी हो गया इत्यादि। उसके बाद फोर्थ में है विटामिन्स। विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन्स जो होता है वो प्रोटेक्टिव फूड होता है। दे हेल्प आवर बॉडी फाइट सर्टेन डिजीज एंड कीप अस हेल्दी एंड फिट, यानी कि जो विटामिन होता है वे हमारे बॉडी को कोई भी बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है और हमारे बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखता है। अब फिफ्थ में आप लोग का है मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स आर आल्सो प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि जिस तरह विटामिन एक प्रोटेक्टिव फूड है, ठीक उसी तरह मिनरल्स में जो एक है प्रोटेक्टिव फूड। लाइक विटामिन्स मिनरल्स टू हेल्प इन कीपिंग अस फिट एंड हेल्दी, यानी कि जो विटामिन और मिनरल होता है ये भी हमारा शरीर को फिट और हेल्दी बनाए रखता है। उसके बाद है कैल्शियम हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, यानी कि जो कैल्शियम होता है वो हमारा बोन्स को और टीथ को मजबूत बनाए रखता है। अब सबसे पहले बात की मिनरल्स क्या क्या चीज में होता है, तो मिनरल्स चीज हो गया, कैरेट हो गया, इटीसी। उसके बाद है रफेस। रफेस क्या होता है, सम पार्ट्स ऑफ द फूड दैट वी ईट डू नॉट गेट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली, यानी कि कुछ ऐसा भोजन होता है जिसे हम लोग डाइजेस्ट पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। दिस अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड रफेस, यही अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग रफेस कहते हैं। रफेस में जैसे क्या हो गया, वेजिटेबल हो गया, सलाद हो गया, इटीसी। उसके बाद आप लोग का सेवंथ में दिया हुआ है वाटर। ऑल द लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स
नीड वाटर टू स्टे एलिव, यानी कि जितना भी लिविंग थिंग्स होता है और एक ह्यूमन बींग्स भी, सबको जीने के लिए पानी पीने का सेवन, पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। वाटर मेक्स अप नियरली 70% ऑफ आवर बॉडी वेट, यानी कि जो वाटर होता है हमारा बॉडी का पूरा 70% वेट जो होता है, क्या चीज है, 70% वाटर होता है बॉडी वेट। उसके बाद आप लोग का एक टॉपिक है मिल्क, यानी कि एक कंप्लीट फूड, मिल्क एक कंप्लीट फूड, मिल्क इज कॉल्ड ए कंप्लीट फूड, यानी कि जो मिल्क होता है वो एक कंप्लीट फूड होता है। क्यों मिल्क जो क्यों होता है कंप्लीट फूड, तो देखिए इट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। जो मिल्क होता है उसमें इतना सारा चीज पाया जाता है, क्या क्या, देखिए प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया और वाटर हो गया, ये सब है जो मिल्क में पाया जाता है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में राइट कर लें। अब आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग का सेकेंड टॉपिक में दिया हुआ है बैलेंस्ड डाइट, क्या दिया है बैलेंस्ड डाइट, यानी कि संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट यानी कि संतुलित आहार। The food we eat is called diet। पहले आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लें, फिर हम एक एक करके सबके बारे में समझा देंगे। A diet that contains the right amount of all the nutrients like carbohydrate, proteins, fats, vitamins एंड मिनरल्स। पहले आप लोग टॉपिक वाइज टॉपिक राइट करें, उसके बाद हम टॉपिक वाइज टॉपिक समझाते जाएंगे। थर्ड टॉपिक में आप लोग का है एक्सरसाइज पॉस्चर एंड रेस्ट, यानी कि व्यायाम आसन एवं आराम। एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी फिट, इट मेक्स आवर bones and muscles। आप लोग राइट करें।
strong leg muscles, strong leg of. आप लोग का सेकेंड टॉपिक है बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार. इसमें दिया हुआ है द फूड वी ईट इज कॉल्ड डाइट, यानी कि हम लोग खाना खाते हैं वो, यानी कि हम लोग भोजन यानी कि जो हम लोग फल सब खाते हैं वो सब आ जाता है डाइट में. आप लोग अपने बुक में जब ओपन करेंगे तो उसमें दिया हुआ होगा बैलेंस डाइट का फिगर किस किस तरह से होता है. आप लोग बुक में भी पढ़ते जाएंगे. ए डाइट दैट कंटेन्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी जो डाइट होता है उसमें ये सब पोषक पाए जाते हैं. क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन हो गया और मिनरल्स हो गया. आप लोग का सेकेंड टॉपिक में यही था. थर्ड टॉपिक में है एक्सरसाइज पॉस्चर एंड रेस्ट, यानी कि व्यायाम आसन एवं आराम. इसमें दिया आप लोग को एक्सरसाइज किप्स आवर बॉडी फिट, यानी कि अगर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग का बॉडी जो होगा वो फिट रहेगा. इट मेक्स आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, और जो हमारा बोन्स और मसल्स होगा वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा. उसके बाद बोल रहा है लैक ऑफ एक्सरसाइज मेक्स अस लेजी एंड ओवरवेट, यानी कि अगर हम लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम लोग लेजी हो जाएंगे और ओवरवेट यानी कि हम लोग का जो भार होगा शरीर का वो बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा. फिर टॉपिक नंबर 4 में आप लोग को दिया हुआ है वेज ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, यानी कि भोजन तैयार करने के तरीके. इसमें आप लोग को दिया हुआ है फूड इज कुक्ड एज इट मेक्स द फूड सॉफ्ट टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट, कुकिंग आल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, यानी कि अगर हम लोग भोजन पका के बनाएंगे तो क्या होगा वो बहुत सॉफ्ट रहेगा, वो बहुत टेस्टी बनेगा और वो इजी यानी कि वो आसानी से हम लोग का शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा. और जितना भी फूड में यानी कि वेजिटेबल सब में पहले हल्का छोटा छोटा जर्म्स होता है, वो सब जर्म्स जो अगर हम लोग पानी में उबालेंगे खाना पकाएंगे तो जितना जर्म्स रहेगा सब जर्म्स डेड हो जाएगा. और फूड में जितना भी जर्म्स होता है सब किल किया जाएगा यानी कि सब मारा जाएगा. फिफ्थ टॉपिक में आप लोग को है गुड कुकिंग हैबिट्स, यानी कि भोजन बनाने की अच्छे आदतें. इसमें दिया हुआ है इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रैक्टिस गुड कुकिंग हैबिट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड टू थ्री टाइम्स बिफोर कटिंग टू रिमूव जर्म्स एंड डर्ट, यानी कि अगर हम लोग फल और सब्जी को काटने से पहले कम से कम 2 से 3 बार धो लेना चाहिए ताकि उसमें जितना भी जर्म्स हो और जितना भी डर्ट यानी कि जो गंदा बालू हो गया मिट्टी सब जो लगा हुआ रहता है फल में या सब्जी में वो अच्छा से जब तक अच्छा तरह से धोआ न जाए तब तक हम लोग को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए. सिक्स टॉपिक में आप लोगों को दिया हुआ है फूड प्रिजर्वेशन यानी कि भोजन संरक्षण. इसमें दिया हुआ है मोस्ट फूड आइटम्स स्टार्ट रॉटिंग आफ्टर सम टाइम इफ दे आर नॉट कंज्यूम्ड और स्टार्टेड प्रॉपर्ली, यानी कि कुछ भोजन का जो आइटम्स होता है वो सड़ने लगता है कब, अगर हम लोग उसको कंज्यूम नहीं करेंगे. यानी कि मान के चलिए आप लोग एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फल रखा हुआ है 1 kg फल रखा हुआ, उसमें से हम लोग सब खा लिए, लास्ट एक फल बचा तो उसको हम लोग छोड़ दिए, उसको हम लोग आधा उबी किसी को दे दिए बचा आधा, फिर उसको इसी तरह से हम लोग खुले में रखकर चले गए, फिर क्या होगा वो जो फूड रहेगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो धीरे धीरे रॉटेन होने लगेगा यानी कि धीरे धीरे वो सड़ने लगेगा. मान के चलिए 2-3 दिन तक नहीं खाए वो फूड को तो वो उसमें बहुत सारा जर्म्स लग जाएगा और वो हम लोग का शरीर के लिए बहुत हानिकारक होगा. आप लोग का भोजन संरक्षण में यही बोल रहा है और आप लोग को टॉपिक्स बुक में भी रीडिंग करते रहना चाहिए. ये तो सिर्फ आप लोग का बुक का एक छोटा नोट्स की तरह हमने बनाया है, आप लोग अपने बुक भी रीड करते रहे. अब आप लोग का होमवर्क है आप लोग का लास्ट 6 टॉपिक्स तक का होमवर्क टू मेक ऑब्जेक्टिव एंड टिक द
क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन फाइव. लेसन फाइव का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव अपने बुक में टिक लगा दो.